सांझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। राहुल को कांग्रेस की कमान ऐसे समय में मिल रही है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पद ग्रहण के मौके पर अपने संबोधन में राहुल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो देश भर में आग लगाने का काम करते हैं जबकि हम आग बुझाने का काम करते हैं। एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं हम प्यार करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आज आश्वासन देना चाहता हूं, आप सब मेरे परिवार, चाहे आप युवा हो, बुजुर्ग हो, कहीं के भी हो, आप सब मेरे हो, और मैं आप सबको अपना पूरा प्यार, दिल से पूरा प्यार दूंगा। इस मौके पर राहुल ने ये भी कहा कि कांग्रेस को ग्रेट ओल्ड पार्टी कहा जाता है, पर अब हम इसे ग्रेट ओल्ड यंग पार्टी में बनाएंगे। देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, मगर आने वाले समय में हम इसे हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड एंड यंग पार्टी बनाने जा रहे हैं। सांझ टीवी, सबसे आगे सबसे पहले, बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।